हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंदाज ब्यूटी सलून। तो स्वागत है आप सभी का। तो आज हम करने जा रहे हैं हाइलाइट्स, रेड कलर से हाइलाइट करने जा रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा टेक्निक मैं कैसे करती हूँ। वीडियो मैंने बहुत छोटी बनाई है क्योंकि आप लोग स्किप कर करके देखते हो, तो दुख होता है हम लोगों को कि शायद वीडियो अच्छी नहीं लगती। अगर वीडियो नहीं अच्छी लगती है तो भी कमेंट में बताइए, अच्छी लगती है तो भी कमेंट में बताइए कि हमें समझ में तो आएगा कि टेक्निक आपको समझ में आती है या नहीं आती है। तो चलिए चलते हैं आज हाइलाइट करने, चलिए मेरे साथ। तो ये हमने लिया है रेड कलर स्ट्रिक्स का 0.6 और ये है डेवलपर 30 वॉल्यूम। अब ये दोनों हम मिक्स करेंगे, बराबर बराबर का होना चाहिए। डेवलपर भी उतना ही होना चाहिए जितना ट्यूब है, दोनों का एवरेज बराबर होना चाहिए। और इसको अच्छे से मिलाएंगे, मिलाने में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए इसमें। ये जितने अच्छे से मेल्ट होगा उतने अच्छे से कलर आएगा इसमें। अभी बालों का पतला पतला सेक्शन लेना है और सिल्वर फॉल में उसको रखकर कलर लगाना है। अब इनके पूरे बालों में कलर चाहिए था स्टेप बाय स्टेप, तो वैसे ही हमने पतली पतली लेयर लेकर कलर लगाया है। तो देखिए कैसे मैं लगा रही हूँ सिल्वर फॉल में। और बालों में प्रॉपर कलर लगना चाहिए कभी भी, ऐसा नहीं कि खाली कलर लगा दिया। बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से कलर हो ना तो बालों में कलर 100% आ ही जाता है। एक्शन कैसे लेना है कैसे नहीं लेना ये हमको डिसाइड करना होता है। क्लाइंट सिर्फ हमको ये बताता है कि मुझे इस एरिया में ज़्यादा कलर चाहिए, मेरे इस एरिया में मुझे कम कलर चाहिए, नीचे के हिस्से में नीचे बालों में थोड़ा सा ज़्यादा कलर चाहिए। तो वो हमको डिसाइड करना होता है कि हम सेक्शन कैसा लेंगे, पतला लेंगे, मोटा लेंगे, ज़्यादा लेंगे या लेस ज़्यादा लेंगे, वो सब हम खुद डिसाइड करते हैं। अब देखिए मैं जैसे जैसे ऊपर जा रही हूँ वैसे वैसे मेरे लेयर्स बालों के सेक्शन भी बढ़ते जा रहे हैं। और मैंने दो पार्ट किया हुआ है क्योंकि ईजी हो जाए करना, डिस्टर्बेंस ना हो और काम जल्दी हो जाए। तो दो पार्ट किया है। अब मैं पतला पतला सेक्शन लूँगी और फिर सिल्वर फॉइल में उसको पैक करूँगी। और ऐसे ही जैसे जैसे धीरे 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 मैं ऊपर जाऊँगी क्राउन एरिया तक का, तो मेरे सेक्शन धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और ये बहुत इजी तरीका है, बहुत जल्दी हो जाता है कलर। और रेड कलर बहुत अच्छा आता है बालों में, ये क्लाइंट के हेयर भी बहुत अच्छे हैं। देखिए कैसा लगा ज़रूर बताइएगा आप लोग। आप लोग बताओगे तो ही मेरी समझ में आएगा कि मैं टेक्निक सही बता रही हूँ, आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है। मैं पहले भी बोल रही हूँ कि मैं बहुत इजी टेक्निक बताती हूँ इसमें। देखिए मैंने पूरे बालों में मैंने पतला पतला सेक्शन लेकर सिल्वर फॉइल, आपको दिख रहा होगा कि मैंने कैसे कलर किया है। अब मैं पूरा सेक्शन बताती तो वीडियो लंबी हो जाती, लेकिन मैंने ऐसे ही छोटा छोटा सेक्शन लेकर पूरे बाल में कलर किया है। अब 35 मिनट हो गए हैं, अब हम इनका वॉश करेंगे। वॉश भी नॉर्मल वाटर से करना है और उसके बाद मास्क लगाना है, स्पा करना है, क्योंकि कलर करने के बाद कभी भी स्पा होना चाहिए बालों में, तो बाल डैमेज नहीं होते। और उसके बाद हम ड्रायर करेंगे, हेयर वॉश करने के बाद ड्रायर करना है। ड्रायर करने के बाद आप कुछ भी, या तो आइनिंग कर सकते हो या टोंग कर सकते हो। मैंने इनका टोंग किया है, उतना टाइम नहीं था तो मैंने डायरेक्ट टोंग करके आपको दिखाया है। देखिए कैसा लगा रेड ओम्ब्रे, इसको रेड ओम्ब्रे भी बोलते हैं। तो ज़रूर बताइएगा कलर कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।